आज मैं आपको एक टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसको नॉकआउट पंच टूल कहते हैं और इसको सलग बस्टर नॉकआउट टूल भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में सुराख करना हो इस्तेमाल करते हैं, मेटल शीट वाले इस्तेमाल करते हैं। ये नॉकआउट टूल होता है, ये एक्स्ट्रा बिगर होल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये टूल ख़रीदना भी चाह रहे हैं तो ये टूल आपका एक इंतहाई हाई क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही शार्प और बहुत ही हार्ड मेटल की होती हैं, और ये इसके अंदर इंतहाई प्रिसाइज किस्म का जो है इसके अंदर इंसर्ट होता है। अगर ये आगे पीछे थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस अच्छी नहीं होगी तो ये आपको बड़ा हार्ड टाइम देगा किसी भी किस्म के काम के अंदर। तो मैं आपको इस वक्त ना इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के मैंने होल बना चुका हूँ। मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि ये होल बनते कैसे हैं। तो मैं आपको ड्रिल मशीन पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनते हैं। ये जो नॉकआउट होते हैं इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं, आपको जो भी आपके टूल्स का साइज़ होगा उस हिसाब से इसका इस हिसाब का आपको इसके अंदर पायलट होल करना होता है। पहले पायलट होल ड्रिल यानी आपको ड्रिल करनी होती है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे इसको ड्रिल कर रहा हूँ और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये ड्रिल कैसे के बाद होल कैसे होगा। तो ये चीज़ अब आपने देखा कि ये इसके अंदर मैंने एक होल बना दिया जो कि एग्जैक्ट इसी के साइज़ का है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर होल बन चुका है। ये इसका रोटेशन बेयरिंग है, इसके अंदर ये इसकी डाई डली जाएगी, ये इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर ये इसके अंदर मैंने इसको डाला है, और ये इसका ब्लेड कटर ब्लेड है जो कि मैंने इसको इसको आप चाहे तो इस रेंज से भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए मैं इसको इंपैक्ट गन से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से आप ये देखिएगा कि ये जो कटर है ये डाई के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये इसके साथ ये बाहर आ चुका है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर एक बेहतरीन गोल हो चुका है। अगर यही चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर इस वाले को डालें यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी डाई। ये इसके अंदर जाएगी, ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर आपने इसको टाइट करा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप के ये इसके अंदर अगर बड़ा सा हो तो कैसे हो जाएगा। ये जैसा दूसरा सॉकेट लेकर आना है, मैं इसके अंदर अब जो है ये एक बड़े सॉकेट से इसके अंदर ड्रिल करता हूँ। सेम थिंग ये इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक इंतहाई शानदार बड़ा सा होल हो चुका है जहाँ से आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कनेक्शन दे सकते हैं। शुक्रिया।